कहानी सती अनुसुईया की। ईर्ष्या और अभिमान, इन भावनाओं से मानव तो क्या देवी देवता भी अछूते नहीं रह सके हैं। शास्त्रों के अनुसार नारियों में ईर्ष्या की भावना आना बड़ी ही स्वाभाविक बात है, फिर चाहे वो कोई साधारण नारी हो या त्रिदेवों की पत्नियां यानी देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती और माँ सरस्वती हो। तीनों देवियों को इस बात का अभिमान था कि समस्त लोकों में उनके समान पतिव्रता कोई नारी हो ही नहीं सकती। ऐसे में तीनों देवियों के अभिमान को नष्ट करने तथा समस्त लोकों में पतिव्रता धर्मचारिणी सती अनुसुईया का मान बढ़ाने हेतु स्वयं भगवान ने नारद जी को एक खेल रचने के लिए प्रेरित किया, जिसके तहत नारद देवी लक्ष्मी जी के पास पहुँचे। नारद जी को देखकर देवी लक्ष्मी ने बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक उनका अभिनंदन करते हुए कहा, पधारिए नारद जी, बहुत दिनों बाद माता से मिलने आए, अवश्य कुछ विशेष बात होगी बताने के लिए। नारद जी बड़े ही उदासी के भाव से बोले, अब क्या बताऊं माता, कुछ तो बताते ही नहीं बनता। मैं पृथ्वी लोक का विचरण करते करते चित्रकूट की ओर चला गया। वहाँ महर्षि अत्रि का आश्रम है, जहाँ वे अपनी पत्नी अनुसुईया माता के साथ वास करते हैं। मैं तो अनुसुईया माता का दर्शन पाकर कृतार्थ हो गया। हे माता, तीनों लोकों में उनके समान पतिव्रता कोई नहीं हो सकता। लक्ष्मी जी को नारद जी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या वो सचमुच मुझसे भी बढ़कर पतिव्रता हैं? सत्य कहना नारद। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे माता, आप ही नहीं समस्त लोकों में कोई भी ऐसी स्त्री नहीं जिसकी तुलना सती अनुसुईया से की जा सकती हो। नारद जी की बातें सुनकर देवी लक्ष्मी बड़े ही सोच में पड़ गईं और उनका मन सती अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या भाव से भर गया। नारद जी वहां से निकलकर इसी प्रकार क्रमशः माता पार्वती और माता सरस्वती के पास पहुंचे और सती अनुसुईया के पतिव्रता होने का बखान कर उनके प्रति दोनों ही देवियों के मन में भी वही भाव जगा दिया जो माता लक्ष्मी के मन में जगाया था। तीनों देवियों ने विचार किया कि क्यों ना अनुसुईया की परीक्षा ली जाए और देखा जाए कि नारद की बातों में कितना सत्य है और कितना असत्य। उन्होंने त्रिदेवों से सती अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए आग्रह किया। बार बार हट करने पर अंततः त्रिदेवों को उनकी बात माननी ही पड़ी। एक निश्चित समय पर जब महर्षि अत्रि अपने आश्रम में नहीं थे, उसी समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव मुनि वेश धारण किए हुए महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुँच गए। अतिथि के रूप में आए हुए त्रिदेवों का सती अनुसुईया ने हाथ जोड़कर अभिनंदन किया और उनके सत्कार हेतु प्रसाद और जल परोसते हुए उन्हें विराजने को कहा, परंतु त्रिदेवों ने इसे अस्वीकार कर दिया। सती अनुसुईया बड़े ही चिंतित मन से बोली, हे मुनियों, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया जो आप मेरे द्वारा किए सत्कार को अस्वीकार रहे हैं? मुनियों ने कहा, हे देवी, हम उसी स्त्री के हाथों से अन्न और जल ग्रहण करते हैं जो बिना वस्त्र धारण किए हमारा आतिथ्य करती है। अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे आतिथ्य को स्वीकार करें तो तुम्हें भी वैसे ही करना होगा, अन्यथा हम बिना कुछ ग्रहण किए यहाँ से चले जाएंगे। उन मुनियों की ऐसी विचित्र बातें सुनकर सती अनुसुईया बड़े सोच में पड़ गईं। उन्हें अंदेशा हुआ कि ऐसी बातें तो कोई मुनि कभी कर ही नहीं सकता, अवश्य ही कुछ और बात है। उन्होंने उसी समय ध्यान लगाया और अपने सतीत्व की शक्ति से देख लिया कि मुनियों के वेश में आए हुए ये त्रिदेव हैं। उनके आने का सारा रहस्य भी अब उनकी समझ में आ गया। अनुसुईया ने कहा, रुकिए मुनिवर, आप क्रोधित होकर ना जाएं। मैं आप लोगों के कहे अनुसार बिना वस्त्र धारण किए आप सबका आतिथ्य करूंगी। सती अनुसुईया के मुख से ये सब सुनकर तीनों देव एक दूसरे की ओर घोर आश्चर्य से देखने लगे। तभी अनुसुईया ने कहा, हे मेरे इष्ट देव, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ तो आप तीनों ही इसी क्षण 6-6 महीने के नन्हे शिशु बन जाएंगे। माता अनुसुईया के इतना कहते ही त्रिदेव नन्हे नन्हे शिशुओं के रूप में बदल गए और माता अनुसुईया ने वस्त्र रहित होकर एक माँ की भांति उन्हें स्तनपान कराकर आश्रम में ही सुला दिया। उधर जब कुछ दिन बीत गए और त्रिदेवों की कोई सूचना न मिली तो तीनों देवियाँ चिंतित हो गईं। उन्होंने अपनी चिंता देवर्षि नारद को बताई। तब नारद ने उन्हें बताया कि त्रिदेव तो नन्हे नन्हे बालक बनकर माता अनुसुईया के आश्रम में खेल रहे हैं और यदि आप सबको मेरी बात का विश्वास न हो तो स्वयं चलकर अपनी आंखों से देख लें। तीनों देवियाँ उसी क्षण नारद के साथ त्रिदेवों का पता लगाने के लिए चित्रकूट की ओर चल पड़ी। आश्रम पहुंचकर उन्होंने देखा कि सच में त्रिदेव तो नन्हे नन्हे शिशु बने एक पालने में खेल रहे हैं। अनुसुईया ने उन्हें देखकर पूछा, हे देवियाँ, आप कौन हैं? त्रिदेवियों ने आंखों में अश्रु लिए कहा, माता, हम तीनों आपकी बहुएं हैं। हम आपसे आपकी पतिव्रता की परीक्षा लेने की इस भूल के लिए क्षमा मांगते हैं। कृपया हमारे पतियों को हमें वापस लौटा दें। ये सत्य है कि समस्त लोकों में आपसी पतिव्रता नारी कोई और नहीं। अनुसुईया जी ने मुस्कुराते हुए अपने सतीत्व की शक्ति से अपने इष्ट देव का ध्यान किया और उन शिशुओं पर जल छिड़क कर उन्हें उनका पूर्व रूप प्रदान किया। देव रूप में आने के बाद सती अनुसुईया ने त्रिदेवों सहित तीनों देवियों की भी पूजा स्तुति की। सती अनुसुईया के इस भक्ति भाव और पतिव्रता से प्रसन्न होकर त्रिदेवों ने अपने अपने अंशों से मिश्रित दत्तात्रेय के रूप में एक पुत्र का वरदान भी उन्हें दिया।